नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विनोद चौधरी कुचामन डिफेंस एकेडमी से। आज मेरे साथ है ताज मोहम्मद, जो पिछले बैच का हमारा स्टूडेंट है और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में ये पास हुआ है। अभी इसकी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग आई है, 24 दिसंबर को ये बेलगांव ज्वाइन करने जा रहा है। ये यहाँ नज़दीक दूदू ज़िला है जहाँ से बिलोंग करता है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, जिसने एक साल यहाँ एडमिशन लिया, एक साल रुक के यहाँ तैयारी करिए और पहले एयरफोर्स आर्मी का क्लियर किया, फिर नेवी का क्लियर किया। नेवी में भी अभी मेरिट वेटिंग है ये, और अभी एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम पास किए हैं। साइंस मैथ से 12वीं पास था। एक्स ग्रुप में इसके 42 नंबर है, वाई ग्रुप में इसके 40 नंबर है। और तो ताज मोहम्मद, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने 12th जैसा ही सर ने बताया, सर गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है दूदू से, और फिर मेरा सपना डिफेंस लाइन में जाने का था, तो मैंने कुचामन में बहुत सी डिफेंस से विजिट की और फिर बाद में कुचामन डिफेंस एकेडमी को विजिट किया। यहाँ की फैसिलिटी मुझे बढ़िया लगी, तो मैंने यहाँ पर अपना एडमिशन लिया और यहाँ एक साल मैंने बढ़िया कड़ी मेहनत की और ये शिक्षकों के मार्गदर्शन में मैंने बढ़िया तैयारी की और उनकी बदौलत में आज नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के पेपर पास है मेरे। और अभी मेरी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग आ गई है, तो मैं जल्द ही एयरफोर्स में ज्वाइन करूँगा और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। क्या आपके परिवार में पहले भी कोई सेना में है? नहीं, हमारे परिवार में क्या, हमारे गाँव में भी कोई नहीं है। तो आप गांव के पहला बच्चा हो जो फौजी बने हो, हाँ, और एयरफोर्स में जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। गांव में बाकी बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे कि इस लाइन में भी करियर बनाया जा सकता है, देश की सेवा की जा सकती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो तीनों सेनाओं में रिटर्न एग्ज़ाम पास करते हैं, जिनके पास तीन तीन ऑप्शन खुले होते हैं कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से जो चाहे चूज कर सकते हैं। तो आप एयरफोर्स ही क्यों चूज कर रहे हो? नेवी में भी आपके बहुत अच्छे नंबर बने हुए हैं और जो अभी 2024 वाली नेवी की मेरिट आएगी उसमें आपका इजीली नंबर आ जाएगा। मैं एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि अभी क्या नेवी में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर थोड़ी स्थिति भी घर की ऐसे है, तो इसीलिए मैं एयरफोर्स ही ज्वाइन करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने, और होना भी यही चाहिए, जिसमें पहले ज्वाइनिंग आ जाए वही ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, इंतज़ार ना करें। अगर ज्वाइनिंग एयरफोर्स की आई हुई है तो सबसे पहले ज्वाइन कर लो। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही सिंसियर बच्चा था, डिसिप्लिन बच्चा था। क्या कहना चाहोगे आप केडीए के स्टाफ के बारे में? कैसा स्टाफ था, कैसा खाना था, कैसा व्यवहार था? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ खाना बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का मिलता है और यहाँ के टीचर्स भी बढ़िया है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप क्लास टाइम के बाद भी उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी फैकल्टी यहीं उपलब्ध रहती है, तो आप कभी भी, आपको जो भी डाउट हो वो आप कभी भी पूछ सकते हैं क्लास टाइम के बाद भी। तो यहाँ की फैकल्टी और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। बहुत ही बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ताज मोहम्मद। और बहुत ही एक प्रेरणा के लिए आप गांव के अंदर एक मिसाल कायम कर रहे हो कि फ़ौज में जा रहे हो, पूरे गाँव में जो छोटा सा आपका गाँव वहाँ से कोई भी आज तक डिफेंस सेवा में गया नहीं है। तो इसके लिए आप पहले नौजवान हो जो इस क्षेत्र में जा रहे हो, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है।